ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले बाबा ख्वाजा गरीब नवाज, आज नाम धुमालिया वाले याद रखेंगे, अब्बा का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन। अब तो बोलो ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, बोलो अब्बा का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा हुसैन अहमद, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा मोहम्मद ताहिर, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा अब्दुल अजीजी, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा जासिम, उनके अब्बा का नाम इमाम अस्करी, उनके अब्बा का नाम इमाम अबकरी, उनके अब्बा का नाम इमाम तकी, उनके अब्बा का नाम इमाम नकी, उनके अब्बा का नाम इमाम जकी, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा रिजा, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा काजिम, उनके अब्बा का नाम इमाम जाफर सादिक, उनके अब्बा का नाम इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके अब्बा का नाम इमाम जैनुल आबिदीन, और उनके अब्बा शहीद करबला हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, और उनके अब्बा शेर खुदा हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु। यह है ख्वाजा अजमेर वाले बाबा जिन्होंने बताया कि कलमा तैयबा में वो पावर है, दुनिया की आग क्या वो तो जहन्नम की आग को भी बुझा देगा। अब मेरे को बताओ, पहली बात पर हम लोग सब बिल्कुल यकीन करने धरने वाला कौन? अच्छा, अगर यकीन है तो मेरे एक सवाल का जवाब और फिर हम चलेंगे, क्योंकि अल्लाह पर यकीन है, करने धरने वाला कौन? अब पूरा एक मरतबा साथ में बोले तो मैं पहली बात कंप्लीट कर दूँ, अल्लाह से डर लगता है या नहीं लगता? आवाज़ नहीं आ रही, अभी भी बहुत धीरे हो, लगता है? नहीं नहीं बोलो ना अल्लाह, यार मेरे को एक घंटा हो गया अभी तो पहली बात पर हूँ मैं, बोलो ना अल्लाह से डर लगता है? किस किस को लगता है, एक बार हाथ ऊपर कर दे भाई, सब सब सब, मैं भी अल्लाह से डर लगता है ना लगता? क्योंकि करने धरने वाला जब वही है तो डर तो लगेगा ना, वो देगा तो खाएंगे। ये जो मैं बोलता हूँ कौन बुलवाने वाला? अभी ये होठ बंद कर देवे मेरे, क्या करूँ? अरे थोड़ी देर के लिए सोचो, हमारे होठ ही नहीं होंगे रोज़ाना। ये हमारे जवान यंगस्टर्स आईने में चेहरा देखते हो? अरे हाँ यार ना, बहुत मुश्किल है भाई धुमालिया में, हाँ भाई आईने में चेहरा देखते हो? हाँ चेहरा देखते हो, यूँ यूँ थोड़ा, हाँ बाल के ठिकाने नहीं, क्योंकि इधर से यतीम, ये इलाके में बाल ही नहीं, इधर से गरीब, ये इलाके में भी बाल नहीं, पीछे जकात का मुस्तहिक, और फिर क्या करेगा, आईने के सामने जाएगा यूँ यूँ, हाँ, और फिर बाइक के ऊपर बैठेगा और यूँ देखता होगा, कौन देखती है, कौन देखती है मेरे को, हैं? कभी अल्लाह का शुक्र तो अदा करके, अल्लाह ने ये दो होठ दिए, थोड़ी देर के लिए बताओ ये होठ नहीं होते और आईने में हम देखते कैसे लगते, हाँ? कोई आई लव यू बोलता? कोई आई मिस यू बोलता? बल्कि कहता कि धुमालिया में जिन्नत ढूंढने की जरूरत नहीं, हमारे घर में बैठा हुआ है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, अलम नजअल लहु आइनैन वलिसानौ वशफतैन वहदैनाहुन नजदैन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे बंदे दोनों आंखें दी शुक्र मान ले मेरा, मैंने जुबान दी शुक्र मान ले मेरा, दो होठ दे दिए शुक्र मान ले मेरा। अल्लाह फरमाते, सही और गलत रास्ता भी तुझे बता दिया। बोलो सुभान अल्लाह। तो बस मेरा वही सवाल है कि करने धरने वाला अल्लाह, जब सब अल्लाह ही करता तो डर लगती कि नहीं लगती? सीधी बात है, क्या होती? हाँ सीधी बात है, बोलो डर। हमारा एक दोस्त है हाजी उस्मान, सूरत में उनका ये सोना चांदी का कारोबार है, मैं कभी कभी जाता हूँ दुआ के लिए। तो मैंने एक दिन जाकर कहा, मैंने कहा हाजी साहब दुकान में चोरी होती कि नहीं? सोना चांदी का कारोबार है, कोई एक आध अंगूठी भी ले लिया तो बड़ा लंबा चौड़ा नुकसान है, तो चोरी होती कि नहीं होती? मुझे कहा पहले होती थी, अभी नहीं होती। मैंने कहा कमबख्त हमारे बाप दादा बहुत खतरनाक थे, कि पहले होती थी अभी? मैं सोचा ये तो समझ के बाहर है, पहले वाले तो बेचारे सीधे साधे थे। मैंने कहा हाजी साहब आपको बोलने में गलती हो रही। कहा ना ना ना, मैं सही कह रहा हूँ, पहले चोरी होती थी अभी नहीं। मैंने कहा अभी क्यों नहीं होती? कैमरा, मुझे कहा आप भी बैठे हैं, कैमरा में आ गया, वो पिकअप कर लेता है, और जहाँ कोई चोरी करे वो पिकअप करता है, उसका फोटो आता है, उसका फोटो आने के बाद पेपर में आता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, पुलिस स्टेशन जाता है, डंडे खाता है, कोर्ट में केस चलता है, जेल में बंद होता है। कैमरा आने के बाद चोरी होना
मैं थोड़ी देर के लिए सोचा, अल्लाह अल्लाह, ये कैमरा तो कभी फेल भी हो जाता है, कभी पिकअप नहीं भी करता है, ऊपर वाले का कैमरा खुला रहता है कि बुझा दिया है? हम डरते हैं ना, तो कभी सोचा ऊपर वाले का कैमरा खुला के बंद? सूरह रहमान में लिखा है, अल्लाह ने फरमाया मेरा कैमरा इतना खुला है, इतना खुला है, इंसान हो जिन्ना तो अगर मेरे कैमरा से भागना चाहते हो तो भागो। अल्लाह फरमाते भागो, भाग भाग, आसमान के किनारे जा, जमीन की गहराई में जा, जहां जाएगा तुझे वहीं अल्लाह नजर आएगा, अल्लाह की ताकत नजर आएगी। पढ़ो ना, अल्लाह ने फरमाया, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुदु मिन अक्तारिस समावाति वल अर्ध फनफुदु ला तनफुदुन इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यालाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान। अल्लाह फरमाते इंसानो जिन्ना तो भागना है, भागो। अल्लाह कहते भाग, कहाँ कहाँ भागेगा? जहां भी जाएगा, आसमान के किनारे जाएगा, जमीन की गहराई में जाएगा, जहां जाएगा वहां तुझे अल्लाह ही नजर आएगा। तो मेरे प्यारो, अल्लाह का कैमरा खुला है, डर लगता है अल्लाह से? फिर बोलो ना एक बार, हाँ बोलो ना, हाँ लगता है ना, मेरे को भी लगता है, आपको भी लगता है। हाँ, तो रात को 1-2 बजे अल्लाह का कैमरा बुझ जाता है, तो हमारे मोबाइल में क्या करते हैं हम लोग? हमारे मोबाइल में वो नंगी औरत नाचती है, पीछे गाना बजता है, अल्लाह का डर। हम मोबाइल में जीना करें, अल्लाह का डर। हम मोबाइल में एपिसोड पे एपिसोड देखें, अल्लाह का डर। हम मोबाइल में पबजी खेले, अल्लाह का डर। हम मोबाइल में गेम खेले, अल्लाह का डर। हम मोबाइल में गीबत करे, चुगली करे, ब्लैकमेल करे, तोहमतें लगाए, अल्लाह का डर। क्या है? बल्कि अल्लाह की कसम, अगर आज माँ नाराज है तो उसकी वजह भी, बाप दरवाजे दरवाजे भटकता है उसकी वजह भी, और हमारे इलाके में अगर डिवोर्स और तलाक होती है तो उसकी वजह भी, तो ये कौन सा अल्लाह का डर है? आप सब ने हाथ उठाकर काम अल्लाह से डरते, तो मोबाइल पे क्या करते? अरे इतना गंदा देखेगा, इतना गंदा, आधा कपड़ा औरत पहनी है, और फिर क्या करेगा मालूम? रात को 1 बजे अपने दोस्त को फोन करेगा, हेलो, वो भी कमबख्त सोया नहीं है, कहेगा हाँ क्या हुआ? अरे बहुत अच्छी क्लिप आई, तेरे को भेजू? हाँ मोकल ले। हाँ, इसने यहाँ से यू बटन दबाया, वो गंदी क्लिप गई, वहां गई। उसने 12 मिनट देखा, उसके बाद फोन करते, हेलो सो तो नहीं गए ना? नहीं 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 मैं जाग रहा हूँ। वेरी हॉट क्लिप, हाँ बहुत अच्छी भेजा। ये अल्लाह का डर, एपिसोड देखने का, 140 एपिसोड देखने का, ये अल्लाह का डर। हाँ मेरे प्यारो, मोबाइल पे झूठ बोलने का, पिक्चर देखने का, नंगी फिल्में देखने का। अच्छा, ये जो नंगी औरत को हम देखते और किसी के ऊपर हम पास करते कि मेरे पास बहुत अच्छी क्लिप आई है, तू भी देख, अल्लाह की कसम खाकर बोलो दुमालिया वाले, अगर वो औरत या वो लड़की जिसको हम भेज रहे, अगर वो हमारी बेटी होती, भेजता के देख देख मेरी बेटी कैसा नंगा नाचती है, भेजता? हमारी बीवी होती, हमारी बहन होती। इसलिए आज ये मत कहो कि हमारे ऊपर हालात आए हैं, हालात हमने बुलाया है, जैसी करनी। ये मोबाइल में खुराफात, ये हमारे जवान पूरा 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 दिन, और अगर थोड़ी देर के लिए मोबाइल इससे अलग हो जाए, मतलब ये घर से निकल गया और मोबाइल भूल गया, रास्ते में इसको याद आया तो यूं ही जैसा अटक आया, अटक अटक, क्या क्या, अरे क्या हुआ क्या, अरे रिंग कर रिंग कर रिंग कर मेरे मोबाइल पर, मेरा क्या हुआ भाई, क्या हो गया? जुमा की नमाज हो रही है, जुमा की नमाज खत्म हुई, सुन्नत नवाफिल पढ़ा नहीं पढ़ा, अरे मस्जिद के बाहर निकलने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका मिन फजलिक पढ़ा नहीं पढ़ा, मस्जिद के बाहर कदम रखा, फौरन मोबाइल पे, क्या अभी तो अल्लाह के सामने खड़ा था, 1 मिनट में अल्लाह के सामने खड़े होने का होश खत्म हो गया, मोबाइल का जोश शुरू हो गया। थोड़ा तो अल्लाह की शर्म किया होता, थोड़ा तो 2-4 कदम सुभान अल्लाह पड़ा होता, ये कौन सा ईमान है हमारा? हम आराम से कहते हाँ एक अल्लाह एक अल्लाह, ये कौन सा एक अल्लाह? वो अल्लाह से हमको डर तो लगता नहीं, वो अल्लाह ने मना किया कि ये हराम है, हमने उसको हलाल बना के इस्तेमाल कर रहे। मेरे प्यारो, कितनों का हक मार के बैठे,
क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना है? अरे बोलो ना, अल्लाह को जवाब नहीं देना है? हाँ, हदीस पाक में लिखा है, यानी ये तो सोचने जैसी बात है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जनाजा आया और हमारे नबी सासम जनाजे की नमाज पढ़ाने आए, सारी सफ़े लग गई, और कसम खा के बोलो नबी नमाज पढ़ाए उससे बढ़कर क्या दौलत होगी? अल्लाह ने फरमाया इन सलातक सकनुल लहुम, अल्लाह फरमाते मेरे महबूब तू नमाज पढ़ा दे, समझ ले बाग ही बाग जन्नत का मिल गया। लेकिन हमारे नबी इमामत के लिए खड़े हो गए, सारे साहबा खड़े हो गए, हमारे नबी ने नमाज शुरू करने से पहले पूछा अलैहि कर्ज़ुन, ये जो मैयत है इनका कोई कर्जा बाकी है कि इनके पास चुकाने का पैसा था लेकिन फिर भी चुकाए नहीं, ऐसा कुछ है? तो किसी ने कहा कि हाँ इनके ऊपर कर्जा बाकी है। हमारे नबी ने फरमाया सल्लु आला साहिबिकुम, मैं नमाज नहीं पढ़ाऊँगा, जिसको पढ़ाना है पढ़ा लो। हमारे नबी चले गए, वो तो हज़रत अली पीछे दौड़े। हज़रत अली ने जाकर कहा अल्लाह के रसूल इसका सारा कर्जा मैं अदा करूँगा, मगर आप जनाजे की नमाज पढ़ाए, मुझसे बहुत दोस्ती रखते थे, मुझसे मोहब्बत करते थे। हमारे नबी ने फरमाया अली तुम सबका कर्जा अदा करोगे? कहा अदा करूँगा। हमारे नबी ने अल्लाहू अकबर जनाजे की नमाज को शुरू किया। इसका मतलब है कि जिसके जिम्मे पैसा बाकी हो दे सकता है, मगर बहन को नहीं देता, भाई को नहीं देता, अपने घर वाले को नहीं देता। दुनिया उसके जनाजे की नमाज पढ़ावे मगर हमारे नबी उससे राजी नहीं है। इसलिए मेरे प्यारो, अल्लाह का डर कहाँ है? आज से हम ये तो कहेंगे करने धरने वाला कौन, मगर आज से धुमालिया वाले कोई भी काम शुरू करे पहले ये सोचो मेरा अल्लाह इसमें क्या कहता है। और काम शुरू करने से पहले क्या बोलने का मालूम? अल्लाह मेरे को नहीं आता, कौन करवाएगा? दुकान खोलो, कौन पूरी करेगा? कारोबार अल्लाह। बीवी के साथ गड़बड़ हो रही है, मत लड़ो मत लड़ो बीवी के साथ, मुसल्ला बिछाओ, दो रकात नमाज पढ़ के अल्लाह हो सकता मेरी गलती होगी, हो सकता मेरी बीवी की गलती होगी, लेकिन अल्लाह रिश्ता तो आसमान पे तय होता है ना अल्लाह, फिर ये क्या मामला है? अल्लाह क्या फरमाते, कोई भी मामले में मुझसे मांग ले, काम शुरू तू करेगा उसे कंप्लीट और मुकम्मल मैं करवाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया वमन यतवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाहा बालिगु अमरी, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मुझ पे भरोसा कर ले, काम तुम शुरू करोगे, खत्म कराने वाला कौन होगा? तो चलो पहली बात मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। अब से एक बात ये है कि अल्लाह का डर, तकवा और गुनाह से बचना और अल्लाह का ध्यान, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। भाई एक बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ूँ, बढ़ू आगे? हाँ बोलो ना, आगे बढ़ो। चलो दूसरी बात पर आ जाए, हमारे नबी से बढ़कर बोलो अल्लाह की कसम कोई नबी। इसलिए मोहब्बत करें सबसे पहले तो किससे? हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह करेंगे। कौन कौन तैयार है बोलो, कौन कौन तैयार है? तैयार है। अच्छा एक बात, धुमालिया में क्रिकेट का शौक होता है? अरे हाँ या ना? हाँ मेरे को भी है। क्यों है? क्योंकि वो कमाल बताता है। हम बोलते हैं लास्ट ओवर में ये आ जावे जीत गए, हाँ बोलो ना, होता कि नहीं होता? कमाल बताता है। अच्छा बॉलीवुड वाले से मोहब्बत, कमाल बताता है। हॉलीवुड वाले से मोहब्बत, जमीन पे कमाल बताता है। मेरे दोस्तों शायद हमसे बड़ा पावली कोई नहीं होगा, हाँ क्यों? जो जमीन पे पैदा होता है जमीन पे कमाल बताता है, उसके बाल हमको पसंद, उसका टी शर्ट हमको पसंद, उसकी जीन्स हमको पसंद, उसका डायलॉग हमको पसंद, उसकी तरह उठना बैठना पसंद। हालांकि जमीन पे पैदा हुआ जमीन पे कमाल बताता है, और धुमालिया वालों अल्लाह की कसम हमारे मुस्तफ़ा वो अकेले हैं जो जमीन पर पैदा होते हैं आसमान पर कमाल बताते हैं। बोलो कमाल कहाँ पर बताते हैं? तो मोहब्बत किससे करना चाहिए? जमीन वाले से, हा? और हमारे नबी ने आसमान पर कमाल बताया, हाँ या ना? नहीं साथ में बोलो हाँ या ना, बल्कि पूरा मजमा मेरे साथ में बोलो, हमारे नबी वो नबी, बोलो ना, हमारे नबी वो नबी, वो 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 नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, बोलो आधा। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह।
और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह बोलना, बोलो हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी रात के सन्नाटे में, जैसे अभी कैसे रात का सन्नाटा है धुमालिया में, हमारे नबी रात के सन्नाटे में यूं उंगली मुबारक से एक बार इशारा करे, फिर दूसरी मरतबा इशारा करे, फिर तीसरी मरतबा इशारा करे, 1400 सहाबा अपनी आंखों से देखे, बोलेगा हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। सच में बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे नबी 3000 सहाबा के साथ सफर में पानी खत्म, बोलो पानी खत्म, सहाबा कहने लगे अल्लाह के रसूल हमने सारा इलाका छान मारा हमें पानी न मिला, प्यास लगी है जान चली जाएगी, वजू करना है खाना पकाना है, अल्लाह के रसूल कदम कदम पर पानी की जरूरत है, हमने हर जगह देखा लेकिन हमें पानी न मिला, बिल्कुल जंगल है, तपती हुई गर्मी है, चिलचिलाती धूप है, हमारे नबी ने अपना हाथ मुबारक, सुभान अल्लाह, ऐसे ऐसे हमारे नबी ने अपना हाथ मुबारक आगे बढ़ाया, उंगली मुबारक को खोल दिया और जमीन पर रख दिया, 3000 सहाबा फरमाते अल्लाह की कसम हर उंगली मुबारक से पानी का चश्मा बहना शुरू हो गया। हजरत अनस फरमाते इतना जोर में पानी निकले, हम पानी के डोल पे डोल भरते गए, डोल पे डोल भरते गए, डोल पे डोल भरते गए, हजरत अनस फरमाते वो तो 3000 थे, आज अगर 30000 भी होते तो पानी भर के लेके चले जाते। इसलिए कोई मुझे पूछता है कि सबसे अच्छा पानी कौन सा, तो पूरी दुनिया कहती है जमजम का पानी, मैं कहता हूँ नहीं, बस इतना है कि वो पानी हमको मिलता नहीं, बाकी जमजम के पानी से बढ़कर वो पानी था जो हमारे नबी की उंगली मुबारक से निकला था, क्योंकि जमजम के पीछे हजरत इब्राहिम है, जमजम के पीछे हजरत हाजरा है, जमजम के पीछे हजरत इस्माइल है, और ये उंगली मुबारक के पीछे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी है कि अल्लाह ने मेराज के मौके पर सारे नबियों को जिंदा किया, सब अपनी अपनी कब्र मुबारक में थे, अल्लाह ने सबको अपनी कब्र मुबारक से जिंदा किया और सारे नबियों को फरमाया बैतुल मुकद्दस जाओ, सारे नबी बैतुल मुकद्दस में जमा हो गए, 1,24,000 कम ज्यादा बैतुल मुकद्दस में जमा हो गए, हमारे नबी आए सबको 2 रकात पढ़ाई और फरमा दिया अल्लाह ने आज फैसला हो गया हर नबी मुख्तदी बनेगा, मेरा मुस्तफा नबियों का भी इमाम बनेगा। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क कुल्लिहिम।